हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं क्लास 10th के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की एक सिंपल सी प्रॉब्लम। ये सेम प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में भी दी हुई है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों मानी जाती है। देखिए, बहुत सिंपल बात है, हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। और हमारी बॉडी में चूंकि हम खाना खाते हैं और खाने में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ये जाके ग्लूकोज से रिएक्ट करती है। ग्लूकोज से रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो कहने का मतलब जो रिएक्शन होती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज के बीच में, जो हमारी बॉडी के अंदर, वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और चूंकि वो रिएक्शन एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो हम उस केमिकल रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।